तो क्या आपको भी गाड़ी के अंदर बैठने के बाद कभी समस्या आती है कि भाई गाड़ी का स्टेयरिंग तो सीधा दिख रहा है लेकिन गाड़ी राइट को भग रही है, लेफ्ट को भग रही है? जैसे कि आप देख सकते हैं अभी गाड़ी का जो टायर है एक तरफ मुड़ा हुआ है और इसका स्टेयरिंग अगर आप अंदर की तरफ से देखेंगे तो स्टेयरिंग सीधा है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, स्टेयरिंग इसका सीधा है लेकिन अभी गाड़ी का आप अगर टायर देखेंगे तो गाड़ी का टायर लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ है। और नए ड्राइवर्स को स्पेशली ये दिक्कत आती है कि गाड़ी का टायर लेफ्ट में है या राइट में है, अंदर बैठने के बाद जज नहीं कर पाते हैं। सो, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। 4 या 5 पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है कभी भी कोई सा भी पॉइंट आपके काम आ जाए और वो की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। सो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल इट सुमित कुमार में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठे तो जैसे ही आप गेट खोल रहे हैं एक नज़र पहली बात तो टायर की तरफ मार लें। प्रॉब्लम को आप जितनी ज़्यादा सिंपल रखेंगे उतने ही ज़्यादा सिंपल इसके आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो सबसे सिंपल सॉल्यूशन ये है कि जैसे ही आप गेट खोल रहे हों थोड़ी सी नज़र आप टायर के ऊपर मार लें, उसमें क्या अपने को दिक्कत कुछ होने वाली नहीं है। जैसे ही आप टायर के ऊपर नज़र मारेंगे आपको पता चल जाएगा कि किधर है। और बाई चांस अगर आप टायर के ऊपर नज़र नहीं मार पाए तब आपको करना क्या है, आप गेट लगा लें आराम से। ये मैंने गेट लगा दिया और ये मैंने खिड़की ओपन कर ली। और जैसे आपको लगता है कि भाई कंजेस्टेड एरिया में है और स्टेयरिंग सीधा है लेकिन हो सकता है तिरछा है, तो थोड़ा सा आप ऐसा करके देखेंगे बाहर की तरफ, तब भी आपको पीछे की तरफ से आगे की तरफ से टायर बाहर निकला हुआ अलग ही दिख जाएगा। अगर टायर सीधा है तो आपको टायर सीधा दिखे, मतलब दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल बॉडी से लगा हुआ दिखेगा, कुछ इस तरीके का एंगल आएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो टायर आपको बाहर निकला हुआ प्रॉपर दिख रहा होगा, लेकिन अगर ये सीधा रहता है तो कुछ इस तरीके का दिखता है, मतलब कि आपको पता चल जाएगा। तो दूसरा बहुत ही सिंपल वे तो ये है। ये इससे सिंपल तो इसका कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको झिझक हो रही है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि खिड़की से बाहर मुंह निकाल के देखेंगे तो लोग बाग क्या कहेंगे, थोड़ा अच्छा सा नहीं लगेगा, अजीब सा लगेगा, तो उसके लिए अंदर से भी मैं आपको सॉल्यूशन अब बताने वाला हूँ। ये जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, स्पेशली ये वाली टेक्निक आपको कंजस्टेड एरियाज़ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे आपकी गाड़ी आगे और पीछे बिल्कुल पार्कड है और आपको मतलब गलती करने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, कि कोई भी चांस नहीं है, अगर गाड़ी थोड़ी बहुत भी आगे पीछे हो गई तो आपकी गाड़ी लग जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले तो आपको अपने टायर्स की डायरेक्शन अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ये वाली जो टेक्निक है केवल उन्हीं गाड़ियों में इस्तेमाल करें आप जिसमें कि पावर स्टेयरिंग हो। विदाउट पावर स्टेयरिंग तो भाई इस स्टेयरिंग को घुमाते घुमाते परेशान हो जाओगे, पूरा पसीना निकाल लोगे। लेकिन पावर स्टेयरिंग देख सकते हैं आप, एक उंगली से घूम रहा है मेरे बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको अपने स्टेयरिंग को समझना है, थोड़ा सा समझ लें कि ये कितने राउंड घूमता है। तो अगर आप स्टेयरिंग को पूरा एक तरफ काट दें जितना ये कट सकता है लेफ्ट में या राइट में, तो आप देखेंगे कि ये जो आपकी सीधे वाली पोजीशन है ये कितनी बार आती है। आपको अपनी गाड़ी में करके देखना है, एक ही बार करके देखेंगे वो हमेशा के लिए आपके माइंड में फिट हो जाएगा। हो सकता है अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग रोटेशन हो, अलग अलग उनका रेशियो हो। एक बार आ गया, दो बार आ गया, तीन बार आ गया, ठीक है, चौथी बार में ये नहीं आ पाया। मतलब कि तीन बार जब ये सीधी वाली पोजीशन में आया तो इसका मतलब ये जो बीच वाली पोजीशन है इसमें या तो ये लेफ्ट की साइड है या राइट की साइड है। तो आपको पहली चीज़ तो करके देख लेनी है कि ये पूरा राइट में काट लें, और पहली से जैसे कि पूरा मैंने ये राइट में काट लिया, उसके बाद आपको एक बार ये सीधा आया मतलब ये अभी भी राइट में है, दूसरी बार सीधा आ गया तो ये स्ट्रेट है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है अपनी गाड़ी में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी गाड़ी में अगर तीन बार से ज़्यादा चार बार या पांच बार होता है तो दो राउंड में आपका स्टेयरिंग राइट में रहेगा, बाकी के दो राउंड में आपका स्टेयरिंग लेफ्ट में रहेगा। जो बीच वाला राउंड है वहाँ पर आपका स्टेयरिंग
सेंटर में रहेगा। अगर आपको ये वाली टेक्निक भी अगर थोड़ी सी उबाऊ लग रही है, सो अगली टेक्निक ये है सिंपल। उसके लिए मैं कैमरा को गाड़ी के अंदर लेके आता हूँ पहले। सो अगली वाली टेक्निक में आपको करना क्या है कि आपको जस्ट सिंपल आपका स्टेयरिंग भले लेफ्ट में हो, राइट में हो, कहीं भी हो, लेकिन ये वाली टेक्निक के भी अपनी नियम व शर्तें हैं। ये हैं कि थोड़ा आगे पीछे आपकी गाड़ी में स्पेस होना चाहिए, और जब भी पार्क करें तो थोड़ी सी स्पेस तो रखनी चाहिए। स्टार्टिंग में कंजस्टेड एरिया में ना ही करो तो ही बढ़िया है। सो आपको फर्स्ट गियर लगाना है, हैंड ब्रेक उतारना है सिंपली, और आपको हाफ क्लच में, जैसे कि आप क्लच की तरफ थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे, सो हाफ क्लच थोड़ा सा छोड़ना है, इतना सा बस, ठीक है। इतना सा आप क्लच छोड़ेंगे तो आपकी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ेगी, और जैसे ही थोड़ी सी बढ़ेगी, अगर आपकी गाड़ी 10 से 15 सेंटीमीटर भी बढ़ती तो आपको पता तो चल ही जाएगा एटलीस्ट कि आपकी गाड़ी लेफ्ट में जा रही है या राइट में जा रही है, और उस हिसाब से आप गाड़ी के स्टीयरिंग को सीधा कर लें। तो ये थी अगली टेक्निक, और इसके बावजूद आपको एक बोनस टेक्निक और बताता हूँ कि आप अपने स्टीयरिंग की डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं। आपका स्टीयरिंग किसी भी डायरेक्शन में हो, फॉर एग्जांपल अभी मैंने स्टीयरिंग को राइट में काट लिया और मुझे सीधे जाना है, ठीक है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके पास जगह है ना, और अगर आप स्टीयरिंग पर थोड़ा सा भी जोर लगा रहे हैं लेफ्ट या राइट को, जैसे ही आप गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, ये देख सकते हैं स्टीयरिंग अपने आप सीधा हो गया, और आप थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग किधर है, और वो अपने आप सीधा भी होता है। ये स्टीयरिंग की टेंडेंसी होती है हमेशा कि आप इसे राइट में रखें या लेफ्ट में रखें। आपने अगर मोबाइल गेम खेला होगा तो आपको पता होगा कि आप जब भी डॉक्टर ड्राइविंग या कोई ऐसा मोबाइल वाला गेम खेलते हैं तो उसमें स्टीयरिंग को जब इस वाले मोड में रखते हो ना, जैसे स्टीयरिंग में, तो स्टीयरिंग को आप मोड़ेंगे और फिर वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। सो यही एक्चुअल गाड़ी में भी होता है। सो गाइज, ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी तरफ से, जिनसे कि आप अपने कार के टायर्स की डायरेक्शन अंदर बैठे बैठे पता लगा सकते हैं कि लेफ्ट में है या राइट में है, और आप अपनी गाड़ी को सीधा चलाने में या अपनी मन मर्जी के हिसाब से चलाने में ला सकते हैं। बाकी उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और पसंद भी आएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। बाकी यदि आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में डाउन कर दें, तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। यदि अधिक कमेंट आते हैं तो मैं नहीं भी कर पाऊँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको नीचे पॉपअप दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। बाकी आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जिसे इसकी ज़रूरत है, और चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी इतना ही था आज की इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।